हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर प्रिंटर क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, बॉर्डर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये टेबल है। अब मान लीजिए कि इस वर्टिकल लाइन को और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमको अलग तरीके की थिकनेस या अलग तरीके कलर में लेकर के आना है, तो उस केस में हम बॉर्डर प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी जब इस यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस टेबल पे हमें बॉर्डर प्रिंटर इस्तेमाल करना है, तो टेबल में बीच में कहीं क्लिक कर दीजिए या आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप बीच में क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर एक नया टैब दिखाई पड़ेगा, टेबल डिजाइन टैब। ये टैब आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप टेबल सेलेक्ट करेंगे या बीच में कहीं टेबल के क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर देखिए, ये है बॉर्डर प्रिंटर का ऑप्शन। ठीक है, अभी लेकिन इस पर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए पेन कलर जो है वो ब्लैक से सिलेक्टेड है, तो अगर ब्लैक ही यूज करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने रेड कलर ले लिया। अब इसकी देखिए थिकनेस जो है, मतलब विड्थ जो है बॉर्डर की, मतलब इस लाइन की जो मोटाई है, इसको हम चेंज कर देते हैं। लाइन विड्थ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करिए और यहाँ पे 3 PT सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये बॉर्डर प्रिंटर का ऑप्शन है। जब इन दोनों ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं सेलेक्ट हो तो इस पर, मतलब नहीं सेलेक्ट दिखा रहा हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये पेन जैसा साइन आपको दिखाई पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि इस लाइन को हमको रेड कलर में करना है, चेंज करना है, तो हमने इसको यहाँ पर रखा और नीचे तक सेलेक्ट कर दिया, तो आप ये देखिए ये रेड कलर में चेंज हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर रखा और ये लास्ट तक, सॉरी, यहाँ पर रखा हमने और ये लास्ट तक हमने इसको चेंज कर दिया, तो आपने देखा कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का जो मतलब कलर या फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर प्रिंटर का। दोबारा इस पर क्लिक करते ही ये पेन यहाँ से हट जाएगी। ठीक है।